स्वागत है कासू के C++ के सीरीज में और मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर सुदीप एंड मैं आपको सिखाऊंगा C++ के बेसिक्स चलिए देखते हैं सिलेबस तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और एंड करेंगे अरेस से तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा सी प्लस प्लस के कुछ बे लाइक बेसिक नॉलेज दूंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा सी प्लस प्लस होता क्या है उसके प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह देन हम जाएंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स तो वहाँ पे मैं कवर कराऊंगा डेटा टाइप्स होता क्या है वेरिएबल्स होता क्या है क्यों हम यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं देन फिर ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स यानी कि हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं या डेटा वेरिएबल्स में हम वैल्यूज डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स का यूज़ होता है तो मैं बताऊँगा ऑपरेटर्स होता क्या है देन स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास तीन टाइप के हैं कंडीशनल जंप एंड लूप कंडीशनल के अंदर इफेल्स आता है जंप के अंदर गो टू ब्रेक कंटिन्यू ये आते हैं लूप के अंदर डू वाइल और वाइल आता है तो ये हम कवर करेंगे फिर हम फंक्शंस कवर करेंगे देन एंडिंग में हम अरेस को ख़त्म कर कर इस बेसिक सी प्लस प्लस सीरीज को एंड कर देंगे तो स्टार्ट करते हम इंट्रोडक्शन से तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस तो आपके सामने दिख रहा होगा व्हाट इज सी प्लस प्लस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये सी प्लस प्लस होता क्या है तो इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय ब्याने स्ट्रोस्टॉप इन द ईयर नाइनटीन तो इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब क्या होता है ये एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है जनरल पर्पज़ यानी कि हम इसे बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं लाइक ये ज़्यादातर अब गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है तो वैसे ही हम सी प्लस को और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं लाइक यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं लाइक वेब एप्लीकेशन के डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं तो सी प्लस पर्स एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है बहुत जगह यूज़ होता है इसे हमारे बयानह स्रोश्रोप भाई ने इन्वेंट किया था भाई ने सर ने इन्वेंट किया था नाइनटीन को ओके नाइनटीन है. तो ये जो है हमारा इट इज एन इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज ये हमारा एक इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज है ना कि ऊपर वाला है ना कि नीचे वाला बीच का लैंग्वेज है ओके? इंटरमीडिएट ये केस सेंसिटिव एंड प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो केस सेंसिटिव में बताऊंगा प्रॉपर्टीज uh, में प्री कंपाइल में बताया तो ये होता क्या है प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डिफरेंस ये होता है प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है ना डायरेक्टली जो हम जितने भी कोड्स लिखते हैं ना सोर्स कोड बोलते हैं हम उसे जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कोड लिखते हैं उसे सोर्स कोड बोलते हैं उस सोर्स कोड को डायरेक्टली कंपाइल कर मशीन लर्निंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं अब मशीन लेवल लैंग्वेज होता क्या है मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि जो मशीन समझता है हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस वगैरह ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है हाई लेवल यानी कि जो हम लिख रहे हैं जो हम ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं लाइक ह्यूम जो समझ रहे हैं जो हम प्रिंट एफ लिखते हैं सी आउट लिखते हैं ऑपरेटर्स देते हैं ये सब हम ह्यूमन समझते हैं लेकिन उसे मशीन्स नहीं समझता है. तो मशीन्स हमें बस मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है यानी कि जीरोज़ एंड वंस मशीन हमारा जीरोज़ एंड वंस समझता है तो हमारा प्री कम्पाइल्ड लैंग्वेज और कंपाइलर का काम ही ये होता है कि एक सोर्स कोड यानी कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कम लाइक कन्वर्ट करना तो हमारा C++ पर जो है प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है यानी कि ये डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है ओके okay? लाइक like, एक ही बार में जितना सोर्स कोड है वो लिया एक ही बार में देखा और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया हमारे कंपाइलर ने ओके okay? तो ये होता है हमारा प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज में तो C++ के बेसिक प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा लाइक बेसिक मैंने छह प्रॉपर्टीज ले रखा है यहाँ पे तो इन छह प्रॉपर्टीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है तो सबसे पहले हमारा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हाँ सही सुना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो C++ बेसिकली लाइक दो लैंग्वेज का प्रॉपर्टीज़ को लेता है एक तो हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो इन दोनों के कारण हमारा C++ जो है जो C का कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसे हटा देता है तो बयाने श्रोस्टॉप ने किया क्या था उसने देखा सी प्लस प्लस सी जो लैंग्वेज था बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम क्या करते कुछ लाइक like कॉम्प्लेक्सिटी को हटाते हैं और कुछ ईजी करते हैं उसे तो वहाँ पे उसने क्या किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड किया सी प्लस प्लस में यानी कि हब हम हम सी प्लस प्लस में क्लास का यूज़ कर सकते हैं ओके हम प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्लास का यूज़ नहीं कर सकते लेकिन सी प्लस प्लस में हम क्लास का यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं डी स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं तो इसीलिए पहले जब C++ निकला था उसे हम बोलते थे C विथ क्लासेस C++ का पहला जो फर्स्ट नेम था वो C++ नहीं था उसका पहला नेम था C विथ क्लासेस उसके बाद देखे उसके बाद ब्याजा शोर हम देखा देगा उसके बाद नाम को चेंज करके कर सी प्लस प्लस कर दिया तो हमारा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी रखता है अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि ये सी प्लस प्लस मैक विंडोज लिनक्स किसी में भी चल जाता है हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ये मशीन लेवल और लोअर लेंग, लेवल लैंग्वेज नहीं है ये जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हम जो लिखते हैं वहाँ पर ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है वर्ड्स वगैरह उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज तो ये हमारा वो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यस हम यहां पे पॉइंटर्स का यूज करते हैं लाइक सी प्लस प्लस जो है पॉइंटर का यूज करता है ओके okay? जिसके वजह से हम मेमोरीज को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं like लाइक एक वेरिएबल लिया हमने उसका मेमोरी को क्या कि एक डायनेमिक एड्रेस दे दिया ओके और पॉइंटर का यूज़ करके उसका एड्रेस लिया उसका एड्रेस इसको दे दिया लाइक like हम डायनेमिकली लाइक like, uh, जो मेमोरी एलोकेशन है ना एड्रेस है जो हम दे रहे हैं वेरिएबल्स वगैरह जो भी वैल्यूज दे रहे हैं कुछ भी दे रहे हैं कुछ भी स्टोर कर रहा है तो डायनेमिकली हम उसे स्टोर कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज तो सी प्लस प्लस में बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है ऐसा नहीं कि लाइब्रेरीज़ नहीं है सी प्लस प्लस में बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज ओके देन केस सेंसिटिव अब आते हैं हम केस सेंसिटिव जो हमने वहाँ पे देखा था इंट्रोडक्शन में तो केस सेंसिटिव क्या होता है हमारा जो सी प्लस प्लस है ना कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बीच को भी डिफरेंस देखता है सी प्लस प्लस के हिसाब से कैपिटल लेटर अलग है स्मॉल लेटर अलग है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए सी प्लस प्लस हम सी आउट की का यूज़ करते हैं ओके सी आउट की वर्ड का यूज़ करते हैं तो अगर हम उस सी आउट की वर्ड को पूरा कैपिटल में लिख रहे हैं और दूसरे लाइन में उसे हम स्मॉल में लिख रहे हैं तो सी प्लस प्लस के लिए वो दोनों अलग है C++ जो है सी आउट पूरे स्मॉल में लिखा जाता है ओके पूरा स्मॉल जो होता है उसे वो लेता है अगर हम सी आउट को पूरा कैपिटल यानी कि एक एक लेटर हम उसका कैपिटल लिख देंगे सी आउट का तो C++ के हिसाब से वो सही कीवर्ड नहीं है तो इसलिए हम इसे केस सेंसिटिव बोलते हैं ओके okay? जो C++ के जितने भी प्रीडिफाइन की वर्ड्स है हम जैसे उसे बनाया गया था वैसे ही लिखना है अगर उसमें आप कैपिटल स्मॉल यूज कर रहे हो तो केस सेंसिटिव है और वहाँ पे एरर शो कर देगा तो इसे बोलते हैं हम केस सेंसिटिव तो यहाँ पे हमने C++ का बेसिक थियोटिकल पार्ट देख लिया है अब हम ज्यादा फोकस करेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट पे ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना पहला सी फाइल कैसे बनाया जाता है तो इस सीरीज़ में मैं जो कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो है डेफ सी प्लस प्लस आपको वो कंपाइलर का लिंक मिल जाएगा नीचे आप डाउनलोड कर कर यूज़ कर सकते हो तो बेसिकली आप डेफ सी प्लस प्लस खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा उसके बाद आप फाइल में जाओगे फाइल में जाने के बाद न्यू में क्लिक करोगे न्यू में क्लिक करने के बाद सोर्स फाइल में क्लिक कर दोगे आपके पास यहाँ पे अभी बेसिक एडिटर आ चुका है ओके अब ये एडिटर फ़िलहाल सी प्लस प्लस के लिए नहीं है तो मैं पहला लाइन लिखता हूँ जहाँ पे मैं हेडर फाइल्स को ऐड करूँगा यानी कि हेड ऑफ फाइल्स क्या होता है पहले वो देखते हैं उससे पहले तो मैं एक लाइन ऐड कर लेता हूँ तो हैश टैग इनक्लूड ट्रेंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना है और आईओ स्ट्रीम लिखना है आपको तो ये हमारा हेड ऑफ फाइल है मैं बताऊँगा फाइल सेव करने के बाद ये हेड फाइल होता क्या है ओके तो सेव करने के लिए बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो सब जानते हैं जिसे बोलते हैं कंट्रोल प्लस एस दवाना वो दबाते साथ आपके पास ये सेव का पॉपअप विंडो आ जाएगा आने के बाद आप यहाँ पे नाम दे सकते हो अगर ये काम नहीं किया तो फाइल में जाओगे सेव में क्लिक करोगे तो आपको ये पॉपअप आप विंडो आ जाएगा देन आप नाम कुछ भी दे सकते हो तो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ कुछ भी दे दे रहा हूँ फर्स्ट फाइल वन फर्स्ट फाइल वन मैंने नाम दे दिया है ओके okay? और इस फाइल के एंडिंग में आपको डालना है डॉट सी पी पी हाँ सही सुने डॉट सी पी पी डॉट सी जो है हम इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ओके एक्सटेंशन क्या होता है आपके फाइल के फॉर्मेट को बताता है कि आपका फाइल किस फॉर्मेट का है तब डॉट सी लिखोगे तो आपका फाइल जो है सी प्लस प्लस के फॉर्मेट में है यानी कि ये फाइल सी प्लस प्लस का फाइल है ओके तो जब भी आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कंपाइलर को नहीं पता कि आप कौन सा फाइल को दे रहे हो तो कंपाइलर को बताना होता है कि ये C++ का फाइल है तो हम वो कैसे बताते हैं यस एक्सटेंशन का यूज कर डॉट सी पी पे एक्सटेंशन डालेंगे कंपाइलर ने देखा ये एक्सटेंशन ये C++ फाइल है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा ओके तो डॉट सीपी पे लिख कर सेव करते हैं और यहां पर हमारा फाइल सेव हो चुका है अब ये हमारा प्रॉपर सी प्लस प्लस का फाइल बन चुका है ओके तो अब मैं सेव करूँगा तो ये कुछ एरर देगा F11 इलेवन दबा हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं डी एफ सी प्लस प्लस में नहीं तो आप एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल एंड रन कर सकते हो तो यहाँ पे पहला एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है जस्ट एक हैड ऑफ फाइल लिख कर छोड़ दिया तो स्टार्ट करते हैं छोटा सा हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से तो बेसिकली ये हेड ऑफ फाइल्स होते क्या ये जो हैड ऑफ फाइल्स है ना हेड ऑफ फाइल्स के बिना आपका सी प्लस प्लस का फाइल जो है नहीं चलेगा क्योंकि आप जब भी C++ का प्रोग्राम कर रहे हो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो आपको हमेशा C++ के फाइल में कुछ लाइब्रेरीज और कुछ डायरेक्टरीज को इंक्लूड करना होता है तो वो जो लाइब्रेरी है ना और जो डायरेक्टरीज है डायरेक्टरीज यानी कि आपके फोल्डर्स ओके जहाँ पे आपके बहुत सारे सी प्लस प्लस लाइब्रेरी सेव है ओके okay? तो आयुष स्ट्रीम हमारा एक डायरेक्टरी है ओके okay? जहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी सेव है ओके okay? उन लाइब्रेरीज के अंदर आपके फंक्शंस है कीवर्ड्स है और ऑपरेटर्स के जितने भी सिंबल जो सारी उन लाइब्रेरीज के अंदर सेव है ओके okay? तो हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं ना तो हमें उस लाइब्रेरीज को फाइल्स की जगह में इंक्लूड करना होता है तो हेड फाइल्स लिखते कैसे हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम अगर हम लाइब्रेरी एड नहीं करेंगे तो हम जितने भी कीवर्ड्स वगैरह हैं ना जैसे कि आउट देन ऑपरेटर्स डेटा टाइप वेरिएबल्स ये सब यूज नहीं कर सकते इन फाइल्स में ओके प्लस उसके फाइल्स में तो लाइब्रेरी इंक्लूड, इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो फॉर दैट हम इंक्लूड करते हैं हेड ऑफ फाइल तो हेड ऑफ फाइल क्या करता है इन लाइब्रेरीज को कॉल कर देता है इन इस फाइल में ओके okay? तो हेड ऑफाइल का फॉर्मेट क्या हैश टैग इंक्लूड ट्रेंगुलर ब्रैकेट के अंदर उस लाइब्रेरी का नाम और उस डायरेक्टरी का नाम ओके okay? देन यूजिंग नेम स्पेस आपको फिर इसके बाद एक नेम स्पेस एड करना होगा मैं नेम स्पेस बताऊंगा क्यों यूज करते हैं नेमस्पेस एसटीडी यूजिंग नेमस्पेस एस टी डी ये क्यों यूज करते हैं मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये उसके बाद हम लिखते हैं इंट मेन पैरंथसिस इस करली ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथसिस देन करली ब्रैकेट तो ये इंट मेन ये करली ब्रैकेट होता क्या है हम इसे बोलते हैं फंक्शंस अब फंक्शंस क्या होता है ये फंक्शंस के लेक्चर में मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा समझना तो ज़रूरी है क्योंकि ये मेन फंक्शन होता है क्या है अगर समझोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे तो हमारा फंक्शन यानी कि आप इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो ना तो उस सारे इंस्ट्रक्शंस हम फंक्शंस के अंदर पास करते हैं तो इसलिए हम फंक्शन को क्या बोलते हैं फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो भी इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो C++ में हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं मेन ओके तो मेन फंक्शन को लिखने का तरीका होता है इंट मेन देन देना होता है देन करली ब्रैकेट्स और एक करली ब्रैकेट्स के अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी फंक्शन का बॉडी बोलते हैं ओके okay? तो कंपाइलर जब भी रन करता है ना C++ के फाइल को तो वो मेन फंक्शन के अंदर के इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले रन करता है पहले वो मेन फंक्शन देखता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने से तो हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम एक की वर्ड यूज करेंगे जिसे बोलते हैं सी आउट लेसर देन लेसर देन सिंबल हमारा जो ये सी आउट है ना ये एक कीवर्ड है और यू कैन कॉल इट एस कमांड ये की वर्ड जो है इस लाइब्रेरी के अंदर है ओके आप इस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करोगे अगर आप इस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करोगे तो ये सी आउट काम नहीं करेगा ओके तो यहाँ पे आ गया हमारा ये देन आपको दो कोड्स देना होता है आपको दो कोड्स देना होता है दो कोड्स के अंदर आप जो भी लिखोगे उसे हम बोलते हैं कमेंट्स तो डबल कोड्स होता है ना डबल कोड्स के अंदर आप जो भी लिखोगे हम उसे बोलते हैं कमेंट्स क्या बोलते हैं कमेंट्स तो ये हो गया हमारा सी का बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने एक फाइल इंक्लूड किया नेम स्पेस इंक्लूड में में किया मेन फंक्शन बनाया मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट किया तो एक लाइन को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सीआउउट की वर्ड और कमांड का और अंदर एक लाइक कमेंट को प्रिंट करने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो कमेंट बन जाता है और कमेंट क्या होता है कमेंट यानी कि कंपाइलर जिस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करता डायरेक्टली प्रिंट कर देता है तो अब चलते हैं नेम स्पेस क्या है देखते हैं ओके अगर मैं इस नेम स्पेस को कमेंट आउट कर दिया तो बाहर में किसी चीज को कमेंट करने के लिए लाइक like फंक्शंस और कीवर्ड से बाहर डबल स्लैश का यूज करते हैं ओके डबल स्लैश का यूज यानी कि आप किसी भी चीज को कमेंट कर दे रहे हो ये कमेंट जो है ना हमारा ये कमेंट अलग होता है और ये कमेंट अलग होता है ये कमेंट जो है हमारा कंपाइलर में प्रिंट होता है ये कमेंट हमारा कंपाइलर में प्रिंट नहीं होता है ये कमेंट जस्ट फॉर आर रेफरेंस यानी कि हम यहां पे बता सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम किस लिए लिखा था जैसे कि एडिशन के लिए तो मैं उस प्रोग्राम के ऊपर एक कमेंट बना दूंगा और एडिशन लिख दूंगा तो हालांकि मैंने यहां पे नेम स्पेस को कमेंट कर रखा है यानी कि ये नेम स्पेस अभी एक जस्ट अ कमेंट है कुछ चीज नहीं है तो कंपाइलर इसे नहीं देखेगा ओके अब जब मैं नेम स्पेस यूज नहीं किया ना मैंने सेव किया कंपल एग्जीक्यूट किया आ गया मुझे एरर ओके आ गया मुझे एरर क्या आया नो सच डायरेक्टरी आई ओ स्ट्रीम है सॉरी आई ओ स्ट्रीम ओके नो सच डायरेक्टरी आ गया था सॉरी वो एरर मेरे वजह से था तो अब देखोगे तो यहाँ पे सी आउट एरर आ गया तो सी आउट की वर्ड काम नहीं कर रहा तो मुझे सी आउट की वर्ड काम कराने के लिए ये जो स्टैंडर्ड फाइल है ना उसे यूज करना होगा ओके क्योंकि तो स्टैंडर्ड फाइल के अंदर हमारा सी आउट है ओके ये स्टैंडर्ड फाइल है उसके अंदर हमारा सी आउट है तो सी आउट के सामने हमेशा हमें स्टैंडर्ड डबल कोलन डबल कोलन देन सी आउट सीआउट कीवर्ड का यूज करना होगा जैसे ये क्या रन एन एग्जीक्यूट करते हैं ये चल जाएगा और आप यहां पे देखोगे हमने सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है तो जब नेम स्पेस यूज नहीं कर रहे हो ना तो आपको हमेशा जितने बार भी सी आउट लिखोगे तो आपको सी इन सी आउट जो भी लिखोगे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं उसके सामने आपको ऐसे देना होगा अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो आपको नेम स्पेस का यूज़ करना होगा तो नेम स्पेस क्या कर लेता है इसके लोकेशन को डायरेक्टली कॉल कर देता है और सारे सी आउट के सामने सी आउट फाइल देख लेता है इस फाइल के अंदर इस इसका लोकेशन आ जाता है आपने फाइल को इस फाइल के अंदर इसे इंक्लूड कर दिया अब सी आउट आप लिख सकते हो तो अब एंड एग्जीक्यूट करता हूँ नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पे गड़बड़ी आ जा रहा है क्या गड़बड़ी आ जा रहा है तो नेम स्पेस का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखा है इट्स नेम स्पेस सॉरी दिस इज माय सेकेंड मिस्टेक सो मिस्टेक्स तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये टाइपो मिस्टेक्स टाइपोई मिस्टेक यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ओके तो यहाँ पे आप एरर्स भी देख रहे हो तो साथ ही साथ आप एरर फाइंड करना भी सीख जाओगे ओके okay? तो ये सब एरर्स आ रहे हैं तो मैं इन एरर्स को सॉल्व कर रहा हूँ तो आप भी समझोगे कि एरर्स क्यों आ रहे हैं ओके okay? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था C++ प्लस प्लस केस सेंसिटिव है तो स्पेलिंग वगैरह जितना भी है परफेक्ट होना चाहिए ओके okay? तो यहाँ पर मैंने नेम के सामने ई नहीं लिखा था तो यहाँ पर ई लिख दिया तो ये एरर सॉल्व हो गया इसके बाद कंपाइलन रन आप देखोगे तो हमने सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है तो इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स और आगे के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे सो थैंक यू बने रहने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में